हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई, सुबह वाले एपिसोड में ट्रेवर ने एक बहुत अमेजिंग और खतरनाक खेल खेला, जिसको खेल करके हम जीते भी और फाइनली हमें हमारा बंदा मिला भी। बहुत अजीब बंदे थे वो, जिनको मेरे को मारना पड़ा। बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बट फाइनली ट्रेवर जीत गया। और फिर बाद में हमें अपने प्यारे गद्दार का पता लग गया कि आखिर हमारा प्यारा गद्दार कौन है, जो खबरी है, जिसने मेरी सारी खबर लीक करी दुश्मनों को। मिल गए भाई फिलहाल बंदे। अगर आप लोगों ने सुबह वाले एपिसोड चेकआउट नहीं किया, कर लीजिए। सेम सीरियल नंबर है, फर्स्ट चैनल पर है, बहुत सारी चीजें उसमें हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैनल का। तो फिलहाल चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे साथ धोखा हुआ, बंदा जिसने धोखा दिया, कोई बात नहीं, पता तो लग गया ना। अब ऐसे बंदों को मैं सीधा कर दूंगा आगे से। वैसे इस बंदे के ऊपर मेरे को पहले से भरोसा नहीं था। सच्ची में चंपू ने मतलब सारा काम ही खराब कर दिया। चलिए खैर, उसको छोड़िए, वो तो पकड़ा जाएगा। अब मैंने अपना नकली बंदा उनकी टीम में पहुंचा के रखा हुआ है, अब वो अपना काम आराम से करता रहेगा, उसको इग्नोर कीजिए। अब मैं एक चीज के ऊपर फोकस करने वाला हूं, वो ये है कि आखिर कौन था वो बंदा जिसने मेरे को उल्टा लटकाया था। फोक्स बन के जो बंदा रखा हुआ था, कौन था वो बंदा? मेरे घर पर घुस के सारे बंदों को मारा, वायरस का सोल्यूशन लेके चला गया, ड्राइवर के पापा का ड्रामा। ये दो तीन चीज मेरे को फोकस करनी पड़ेगी। रही बात उन दोनों ट्विन ब्रदर की, उसके पापा की और ये ड्रीम रोकी की, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है मेरे लिए, छोटे बच्चे हैं। मेन मैटर है ड्राइवर के पापा का और वो उस बंदे का जो मेरे ऊपर बहुत दिनों से चुप चुप के अटैक कर रहा है, और किंग डेविड का। ये है मेन मेरे लिए सारी चीजें। बाकी रोकी ड्रीम ये तो भाई नमूने हैं, बाकी और अपने वो ट्विन ब्रदर्स, ये सब फर्जी बंदे मेरे सामने, मतलब कि दो दो रुपए वाले। इनको जब चाहो तब मार दो, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और अब तो इनके हाथ में, मतलब अब मेरे हाथ में इनकी कमजोरी भी आ गई है। अब देख के तो मतलब बच के तो दिखाई देगा कहाँ तक बचेंगे, मतलब ही नहीं भाई। बंदे बच जाए अब तो ड्राइवर मतलब बहुत कुछ करने वाला है इनके साथ में। बिग माफिया का बदला तो मैं लूंगा भाई, बहुत आराम से और प्यार से लूंगा। दोनों भाइयों का काफी बुरा काम होने वाला है। चलिए शुरू करते गेम को। और आर्मी वाले के पास निकलना है मेरे को, क्योंकि आर्मी वाले बंदों के ही इन्फॉर्मेशन दूंगा ये, और आर्मी वाले बंदे ही इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, क्योंकि आर्मी के पास काफी एडवांस कंप्यूटर है। अपना प्यारा ड्राइवर आ चुका है अपनी प्यारी सी गाड़ी को लेकर के। मैं गैरेज से अभी बाहर आया हूँ फिलहाल, चलिए जल्दी से निकलता हूँ मैं। और हाँ, एक चीज मैं शायद से आपको बताना भूल गया मैं रोबोट्स के बारे में। रोबोट्स ड्रीम ने गायब किए। ड्रीम प्यारा प्यारा नमूना। फिलहाल ना ड्रीम भी मेरे घर पर ही गया था चुराने के लिए वायरस को, बट उससे पहले किसी और ने चोरी कर लिए। बट जब ड्रीम ऐसे उल्टे से काम कर रहा था, तो उसको पता था रोबोट्स घर पर रहते हैं, तो ड्रीम ने रोबोट्स को हैक किया। आपको पता है ड्रीम जो है वो रोबोट्स उसके पास भी है, और ड्रीम जानता है रोबोट्स कैसे बनते हैं। पूरे मतलब कि इस पूरे माफिया वर्ल्ड में सिर्फ ड्रीम ही कैसा बनता है जो प्यारा बंदर रोबोट्स को खतरनाक मतलब कुछ भी कर सकता है रोबोट्स के साथ में, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रोबोट्स की आर्मी खुद की है। उसको पता है इनको कैसे हैक किया जा सकता है, या कैसे इनको बंद किया जा सकता है, कैसे इनको अपने ऑर्डर मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बाकी दुनिया में और कोई नहीं जानता, और इनको नेट से हैक तो नॉर्मल तरीके से किया जा ही नहीं सकता। लास्ट टाइम भी इसको ड्रीम ने ही खराब किया था, और प्योर ड्रीम ने ही सारा काम किया मेरे रोबोट के साथ में। नमूना है नंबर का यार। सच्ची में घर पर रखा, भाई की तरह माना, उसकी सेवा की, उसके सारे काम किए, तब भी धोखा। जनरल को सारी बातें मैंने बता दी है। मेरे जनरल मेरे को बोल रहा है ड्राइवर चिंता मत कर ब्रो, हम ढूंढेंगे, तो टेंशन मत ले। आपको बताइए जनरल मेरी बात अब क्यों मानता है इतने प्यार से, क्योंकि ड्राइवर के पापा का बंदा है। और अगर ट्रेवर के पापा का बंदा सच्ची में ही है ना, और वो ट्रेवर के पापा ही जब मुझसे मिलने आए थे लास्ट एपिसोड में, तो समझ लीजिए फिर तो काम हो चुका है। मतलब कि फिर तो सही है बस, फिर जो भी है। बट फिर मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ट्रेवर के पापा का प्लान क्या है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे भाई बात उतर के भी नहीं करी, गाड़ी से फेस भी नहीं दिखाया मेरे को। चलिए वो तो पता चल जाएगा वक्त आने पर, जब भी ट्रेवर के पापा आएंगे तो देख लेंगे हम लोग। फिर ट्रेवर निकल आराम से। अपने बारह वाले बंदों के पास पहुंच चुका हूँ, इनको भी तो खबर देनी है ना कि तुम लोग भी जल्दी से सारा काम करो, क्योंकि मेरे को जल्दी ये सारा काम पूरा करवाना है। हेलो प्यारे बाला वाले भाइयों, कैसे हो? अब तो बाला वालों में भाई जीने का मतलब कि दम आ गया इन पे। अब इनका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। बताओ बाला वालों में जिंदगी में इन्होंने कभी टैंक नहीं देखा था, अब इन बंदे के पास टैंक भी है दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए। बाला वालों के पास टैंक है ना, अमेजिंग चीज़। इसको कहते हैं ट्रेवर के साथ हाथ मिलाने के फायदे। तो मेरे प्यारे भाइयों, डुप्लीकेट मतलब के कॉपी हो, कैसे हो, एक जैसे लग रहे हो सारे सारे, फटाफट से बात सुनो, मेरे को बंदे चाहिए किसी भी हालत में, समझ रहे हो? मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिए, बंदे बोल रहे ठीक है ड्राइवर सर, नो प्रॉब्लम, हम जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाएंगे और बताते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने मतलब कि आपके साथ ऐसा काम किया था, वो फोक्स वाला बंदा और आपके घर पर घुसने वाले बंदे। मैंने बोला ठीक है भाई, जल्दी पता लगाओ। तो ठीक है, चलिए यहाँ से निकलता हूँ, देखते कब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पता था कुछ ना कुछ तो ज़रूर चलेगा, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल मेरी प्यारी जेम्सन वाली गाड़ी कैसे काम चलेगा? प्यारी प्यारी बेटा आराम से चला करो, फिसला मत करो। मेरे पास आर्मी का फोन आया है, इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे बोलते हैं ड्राइवर हमने कुछ बंदों का पता लगाया जो कि एक जगह पर तुम्हें मिलेंगे बिल्डिंग के एरिया में पार्किंग वाली तरफ, पहुँचो पीटो। मतलब कि मुझे लगता है वो बंदे शायद से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तुम्हारे घर के अटैक के बारे में।
मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया। और रही बात भाई ड्रीम का, अभी मैं सोच रहा मैं इग्नोर कर रहा हूँ उनको, कुछ कर लेने दो अभी, उनका प्लान भी जानना है मेरे को। ड्रीम बोल रहा था बहुत टाइम पहले कि मैं प्लान बना रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ डेविड को मारने के लिए, तो उस प्लान को ज़रा मेरे को पता लगने दो। मेरा नकली बंदा जब उस प्लान को मेरे को बताएगा ना, तब मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, यही वाली पार्किंग मेरे को बोली गई थी, अंदर निकलते हैं। हाँ शायद से यही है। चलो ट्रेवलर ब्रो पहुंचो अंदर की तरफ। कोई बंदा है क्या? वाओ एक नहीं है, कई सारे बंदे हैं यहाँ पर। तो चलिए बढ़िया, थोड़ा सा मजा आएगा, बहुत टाइम हो गया बंदों को थोड़ा सा वक्त सिखाया। हेलो बॉयज कैसे हो? वाओ कमाल के बंदे भाई तुम लोग, पहले ऐसे खड़े थे एकदम, गन कहाँ से निकाल के रहे तुम? अबे गन कहाँ से लाए एकदम से? हेलो बेटे। तो चलिए फिलहाल बहुत बढ़िया, बंदों को मैंने नेता बना दिया है। शायद से एक चीज मैंने नोट करी है, आप लोगों ने भी करी होगी, अभी कुछ दिन पहले GTA 6 की वीडियो जो लीक हुई थी, अब देखो सही है गलत है वो पक्का नहीं बोलेंगे, बट GTA 6 में शायद से एक चीज बताई जा रही है। देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब ट्रेवर है, इसने गन निकल के रखी हाथ में, हम इसको हटाओगे तो पूरी हट जाएगी, समझ रहे हो? मैंने AKM यहाँ पे निकाली, मतलब AKM ये वाली है, यहाँ पर मैंने निकाली तो सीधा हाथ में आई, हटाऊंगा तो हट जाएगी। बट GTA 6 में पता है क्या है, अब वेपन गायब नहीं होंगे, प्लेयर अपना उसको पीछे लटका लेगा, कपड़ों में पीछे चले जाएंगे वो, जैसे अपने मूवीज में हम दिखाते हैं ना, पीछे वो चले जाएंगे सारे सारे वेपन, जो पिस्टल होगी वो नीचे पैंट में आ जाएगी बेल्ट के पास में। इस तरीके से वेपन्स गायब नहीं होंगे जैसे अब गायब हो रहे हैं, मतलब वो प्लेयर की बॉडी के चारों तरफ ही रहेंगे रियल एकदम। तो मुझे लगता है शायद से अगर ऐसा किया तो और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंने उस वाले गेम प्ले में तो यही देखा था। अब वो असली था या नकली था ये पक्का नहीं है, बट अफवाह सुनी है मैंने कि GTA 6 में ना वेपन्स गायब नहीं होंगे जैसे प्लेयर पे वो वेपन नहीं है एकदम से कहीं से निकाल लाता जादू की तरह। तो ये सिस्टम खत्म करके अब उन्होंने बॉडी के साथ में चिपका दिया, उसको पीछे बैक पे लगा देंगे सारे बड़े बड़े वेपन्स, और छोटे मोटे वेपन्स आगे की तरफ होंगे या कुछ जैकेट्स वगैरह में होंगे। अगर ऐसा हुआ तो और इंटरेस्टिंग रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा, रियल फील आएगा, क्योंकि ये तो पता नहीं भाई कौन से पाताल में घुस जाते हैं, वेपन्स गायब हो जाते हैं, अजीब लगता है, गेम वाली फील आती है पूरी की पूरी, गेम ही है। जब वेपन्स हाथ में होंगे तो इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा। चलिए छोड़िए, खैर उस चीज़ को बाद में देखी जाएगी, पता नहीं कितने साल में आएगा GTA 6, हमारे भी पता नहीं देखते देखते कब से खेलते आ रहे कहाँ पहुँच गए। मुझे ऐसा लगता है जब तक GTA चलो 6, 7, 8 तक तो हम मर जाएंगे, क्योंकि 15 साल का गैप लगेगा तो कौन जिएगा भाई, 10 तक तो पक्का ही मर जाएंगे, GTA 10 नहीं देखने वाले, मतलब कि GTA 10 पता नहीं कब आएगा। मैंने बंदों से इन्फॉर्मेशन ले ली है, पॉइंट ये है कि कुछ नहीं पता लगा, बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर कभी नहीं पता लगेगा तुम्हें इस चीज़ के बारे में, दम लगा सकते हो तो लगा लो। मैंने बोला भाई जो जान से मार दे वो कितना दम लगाऊं, ठीक है चले निकलते हैं यहाँ से, जैसा भी होगा कुछ ना कुछ तो आर्मी मेरी हेल्प करने वाली है। ट्रेवर भाई निकल जल्दी, आर्मी का फोन आया है, आर्मी तो बड़े ही पावर में एकदम से काम कर रही है, सही है यार ये मेरे, मतलब ट्रेवर के पापा का जो बंदा है ना, इसने तो पूरी आर्मी को पीछे लगा दिया मेरी काम के। आर्मी वाले बंदे ने मुझे फोन किया कि ट्रेवर सर हमने कुछ बंदों को पकड़ा तुरंत आ जाइए। मैंने बोला आ रहा हूँ भाई, वैसे आपको मैंने फिर से बोल के रखा है आर्मी की पावर बहुत ज़्यादा है। देखो ट्रेवर को कुछ इसलिए नहीं कहती क्योंकि ट्रेवर तो आपको पता घर की बात होकर रखी है, ट्रेवर का हमारा मतलब उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता होकर रखा है, मानता हूँ कभी कभी नाराज़ हो जाती है आर्मी, बट आजकल थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी बन गई है इसलिए कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट कभी कभी आर्मी को भाई कभी कभी उनका मूड खराब होता है तो घर पर रेड मार देते हैं बंदे। चलो खैर वो अलग बात है, बट पॉइंट ये कि आर्मी की पावर्स बहुत है, जब किसी दूसरे बंदे पर वो यूज़ करती है ना तो दूसरे बंदे का नेता बना डालती है। जल्दी चलते हैं देखते हैं कितनी पावर से बंदों में, पहुंच चुका हूं मैं जगह पर। चलिए फिलहाल यहीं पर आर्मी मिलने वाली है, वैसे तो मिली गई सीधी विवाद है। तो फिलहाल अभी प्यारे बंदे कितने हैं, वाओ पीटा नहीं इनको, मैंने सोचा आर्मी ने यहाँ पर डंडा बजा करके रखा होगा, चलिए बढ़िया बात है रोक के रखा हुआ है मेरे लिए। हेलो ऑफिसर्स, अमेजिंग काम किया आप लोगों ने, सच्ची में मेरे को बहुत खुशी है कि आर्मी मेरे कहने पर बदमाशों को पकड़ रही है। हेलो बॉयज, देखो भाई बस छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन था वो बंदा जो घर में घुसा वायरस का सोल्यूशन लेके गया, कौन था जिसने मेरे को उल्टा बांध के रखा था मेरे खाने में सामान मिलवा करके? मैंने सोचा वो ड्रीम ने किया होगा, जब ये गद्दार थे तो उन्होंने किया होगा, कोई और ही है भाई। बंदा बोल रहा है ड्राइवर जितना चाहे दम लगा ले, जितना भी तो बड़ा माफिया दम लगा ले, बट नहीं बताएंगे। मैंने बोला भाई मैं इतना दम क्यों लगाऊं, मैं तो सीधा एक साथ ही दम लगाऊंगा, हेलो बेटे इतना मारूंगा नाम बुला डालूंगा सही में। आरी वाले भाइयों कचरा साफ कर देना, सो सॉरी तुम्हारे लिए कचरा फैला दिया मैंने यहाँ पर, बट कुछ बंदे जो होते हैं ना वो बदतमीज होते हैं और कुछ बंदे ना इसी लायक होते हैं। चलिए निकलते हैं, इतने प्यार से पूछा था यार, मैं कुछ नहीं बोलता, छोड़ देता 1% इनको, बट वही है ना कितना दम लगा ले ड्राइवर नहीं बताएंगे। हलवा है यार सच्ची में, क्यों नहीं बताएंगे पता नहीं क्या दिक्कत है। टूट जा अब सही है, पूरा तोड़ दो ना, बीच में टूटा अजीब से लगता है, बाद में लगवा लें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवर ब्रो पहुंचो, एक खबरी के पास और निकलता हूँ, देखते हैं वो खबरी कुछ बताएगा या नहीं बताएगा, पता लग जाएगा। ट्रेवर आराम से जरा निकल ब्रो,
चेक करते हुए जा करके उस एरिया में भी कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ही। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर। चलिए ड्राइवर, तो यहां पर आपको पता है बहुत प्यारा बंदा है, ये खबरी रहता है, वो मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहता है जो मेरे काम आती रहती है बहुत बार। तो यहीं पर मैंने फिलहाल उस बंदे को दोबारा से बुलाया। जब भी कभी मेरे को कुछ चीज़ समझ नहीं आती, कोई बंदा मेरे को ठीक से हेल्प नहीं करता, तो ये बंदा मेरे को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। ड्राइवर चल जल्दी से यहाँ पे अंदर जाकर के बात कर बंदे से। इस बंदे को आप देखते ही पहचान जाओगे। हेलो जी, ओके ये राजा चाचा। हाँ भाई क्या हाल चाल है, लास्ट टाइम भी तूने बहुत हेल्प करी थी, मेरे को जानना है मेरे घर पे कौन आया था अटैक करने के लिए। जल्दी जितना जल्दी तेरे को निकालनी है इन्फॉर्मेशन निकाल, पैसे की चिंता मत करना। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर पैसे की कोई चिंता ही नहीं है, जब आपको काम करना होता है तो पैसे क्या चिंता, जितना चाहो उतना आप दे दोगे मेरे को पक्का बताएं। मैंने बोला समझदार हो तो चलिए ठीक है, चेक करते हैं देखिए आखिर इसको कितना टाइम लगने वाला है, सारी चीज़ें बताने हैं मेरे को पता लग जाएगा। चल ड्राइवर भाई निकल यहाँ से, क्योंकि इसके बाद मेरे को एक और जगह से फ़ोन आया, आर्मी वाले बंदे भाई बहुत पकड़े तरीके से अलर्ट हो गए, आर्मी मेरे को लगता है नहीं छोड़ेगी उन बंदों को, ढूंढ के निकालेगी कहीं से भी, चाहे उनको निकालना हो, क्योंकि ना उन बंदों ने ना पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया, जो कोई भी आएगा जाएगा आर्मी की परमिशन के बिना नहीं आने वाला। बंदे बोल रहे हैं ड्राइवर साहब चिंता ही मत कीजिए, जब तक आर्मी है शहर में ढूंढ निकालेंगे। वैसे एक बोलते आर्मी इतना भी मक्का मतलब कि इतना भी प्यार से मेरी बात नहीं मानती और काम नहीं करती, ये सारा काम हो रहा है जनरल की वजह से, क्योंकि जनरल मेन होता है हैंडल करता है आर्मी का वही, और जनरल आपको बताया आजकल अपना बंदा होकर रखा है मेन वाला, तो इसी वजह से आर्मी इतने प्यार से मेरी बात मान रही है, नहीं तो भाई आर्मी तो पहले भी थी शहर में, आज से पहले भी थी। पहुंच चुका हूँ जगह पर, चलिए ड्राइवर फटाफट से निकलिए, तो मैं दिखा दूँ आपको प्यारे प्यारे बंदे। यहाँ पे ही नहीं और जगहों पर भी कैंप लगाया जा रहा है, आर्मी का टेम्पररी है परमानेंट नहीं है, जब तक मतलब के बंदे नहीं मिलते तब तक तो यहाँ पर कैंप रहेगा ही। तो बंदे फिलहाल देख रहे हो कितने प्यार से यहाँ पर बैठ गए, अमेजिंग यार अमेजिंग, सच्ची में आर्मी वाला दिल खुश कर दिया, किसको मारने जा रहे हो ऐसे लग रहा है जंग पे जा रहे हैं सारे के सारे बंदे, पर बढ़िया भाई बढ़िया, मिल जाएंगे जल्दी मिल जाएंगे वो बंदे जिन्होंने भी सारे काम किया मेरे साथ में, जल्दी ढूंढ निकालेंगे आर्मी। और आपको बताइए आर्मी के पास ज़्यादा तगड़े डिवाइस होते हैं हैकिंग के, इतने डिवाइस तो हमारे पास भी नहीं जितने आर्मी के पास होते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई जनरल नहीं है शायद से, होता तो मेरे को दिख जाता, मेरे को दिखाई नहीं दिया, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, जनरल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, अरेंजमेंट अच्छा है, और जब तक ये अरेंजमेंट रहेगा तब तक बंदों को थोड़ा डर रहेगा। आर्मी का मेरे पास फिर से फोन आया, भाई ये मिलिट्री वाले बंदे नहीं मानने वाले, फिर तो फटाफट से बंदे मार रहे हैं शहर के, जल्दी निकलता हूँ आपकी बात। दोबारा से मेरे को आर्मी बेस पर बुलाया और बंदे बोल रहे हैं ड्राइवर सर पूछताछ कर लीजिए आप भी, बंदे इतने जिद्दी, हमने तो बहुत सारे बंदे मार दिए, कुछ बंदे बचे, अगर आपको कुछ बताते तो आ जाइए। मैंने बोला ठीक है आ रहा हूँ मैं, अब की बार मिलिट्री बेस फिर से निकलना है और हैंगर में बंदों को बचाने में लग रही है आर्मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिना वजह तो नहीं उठा रहे बंदों को, मतलब जिसका मन कर रहा है जिस चीज़ का मन कर रहा है उसको उठा रहे हैं, पहले पूछताछ तो कर लो भाई, कभी किसी अपने इनोसेंट बंदे को उठा लिए बंदे। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, ट्रेवर ब्रो आराम से चलिए इधर से घुमाइए। हैंगर में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है बंदों ने हैंगर में बंदों को सीधा करने में लगे हुए सारे के सारे, कहाँ पर है ओके फिलहाल गाड़ी दिख गई है, ओके बंदे भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो कुछ बंदे ज़मीन पर बैठे हुए भाई और कुछ मर गए। सही है भाई आर्मी वालों क्या हाल चाल है तुम लोगों तो मदद से उठा के रखा। हेलो सेंटर में, हेलो जी कैसे हो, देखो यार जैसे तुम्हारे भाई पीछे पड़े मैं नहीं चाहता तुम्हारा हाल भी हो जाए, प्लीज़ बस एक बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही बंदा जो मेरे घर में घुसा था वायरस चुराने के लिए, वायरस का सोल्यूशन बता दो प्लीज़, नहीं तो बुरा हो जाएगा। यार एक बात समझ नहीं आती, कौन से दुनिया का चवनप्राश खा के रखा है इन बंदों ने, ये बंदे इतने ढीठ और इतने ज़िद्दी कैसे हो सकते हैं अपने मालिक के लिए, बोल रहे हैं ड्राइवर कभी पता नहीं लगा पाएगा। अबे मेरे भाई मेरे को अभी पता लगाना है, कभी नहीं पता लगाना, तू बोल दे नहीं तो तेरे साथ भी वही होगा जो पीछे वाले के साथ हुआ है, बहुत बुरी चीज़ होती है मिनिंगन, सब मरेंगे यार। ये तो बंदे बोल रहे हैं मरना पसंद है धोखा नहीं ड्राइवर, वैसे भी जी के करें क्या अपने दोस्त को अपने बॉस को धोखा दे के, यार इतने अच्छे लॉयल बंदे हमें भी मिले, हम मिलते ड्रीम जैसे रोकी जैसे बंदे जो बताओ हमें धोखा देते हैं सुबह शाम, कमाल है। आर्मी वाले भाइयों कचरा फैल गया, सो सॉरी फिर से साफ करवा देना ठीक है ना, मैं ज़रा निकलता हूँ, सो सॉरी यार ये फर्स्ट पर्सन में दिखाई नहीं दिया क्या, ड्राइवर ना टक्कर मारता रहता है लोग ऐसे ही, तो चलिए निकलते हैं। मुझे लगता नहीं यार बंदों को उठवा के आर्मी से पिटवा के कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यार ये बंदे तो बड़े ज़िद्दी होते जा रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, बेचारे आर्मी वाले बंदे भी थक रहे हैं, मुझे लगता है इनको रोक देना चाहिए। चलिए एक काम करते थोड़ा मतलब शाम तक और मेहनत कर रहे हैं इन सभी को, अगर शाम तक कुछ रिजल्ट नहीं आता तो मैं आर्मी को रोक दूंगा और फिर मैं खुद ही देखूंगा, यही है भाई आज शाम के बाद मैं इनको नहीं काम पे लगाऊंगा, क्योंकि बेचारों की मेहनत हो रही है और कुछ फ़ायदा भी तो नहीं हो रहा ना, एक जगह से अगर काम की इन्फॉर्मेशन होती तो मज़ा आता, बट बंदे फ़ायदा नहीं कर रहे। जो कार मीटअप हो रहा है एक जगह पे, उस कार मीटअप पे ड्राइवर जल्दी पहुँच, दो तीन बंदों को पूछ के पूछताछ कर जाकर के ऐसे ही मारना मत। मैंने बोला ठीक है पहुँच रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बंदे ऐसे ऐसे बंदों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत बार मैं शरीफ बंदे मार डालता हूँ, मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन कभी कभी बहुत घटिया होती है। पहुंच चुका हूँ जगह पर। चलिए ट्रेवर ब्रो आराम से पूछताछ करते हैं। मारूंगा नहीं यार, देखो पहले पूछताछ ही कर लेते हैं। क्या पता कोई शरीफ बंदा सच में मेरे हाथों से मारा जाए। ऑलरेडी इतने बंदे मार के आ चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है। चलिए पता करते हैं, पूछताछ करते हैं। हेलो जी, गार्ड से पता करता हूँ। मैंने पूछताछ कर ली है। अच्छा मैंने भाई पहले बंदों से पूछताछ कर लिया करके, क्योंकि अगर नहीं पूछता तो फिर ये बंदों को मार देता। बंदों के हिसाब से, इनके हिसाब से कोई गाड़ी के लोकल डीलर से जो पीछे बंदे फोटोज ले रहे हैं ना, उनकी पूछताछ में करने आया था, उनसे पूछता तो कोई फायदा नहीं, बंदे डर जाते। मैंने दूसरे बंदों से पूछा, दूसरे बंदे झूठ नहीं बोलते कभी भी। वो बंदे बोल सकते थे जिनसे पूछताछ होती, बट कोई साइड वाला बंदा वो क्यों झूठ बोलेगा। तो मैंने रैंडम बंदों से पूछताछ करके पूछा, तो बंदे बोलते हैं उनके अपने खुद के गैरेज है, ड्राइवर से छोटे मोटे, यहाँ पर वो गाड़ी खरीदने आए हैं, गाड़ी खरीद के और बेचते हैं, वो सेकेंड हैंड गाड़ी काम करते हैं बंदे। तो चलिए भाई मैंने ये चीज़ पता कर ली है। आर्मी वाले बंदों का फ़ोन आया है मुझे बुलाते हैं, मेज बैक बिल्डिंग में बोल रहे हैं, ड्राइवर सर हमें एक और बंदे की इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बंदा कुछ ना कुछ तो हेल्प कर सकता है, बट वो बंदा हमसे भागा बच के और भागते भागते मेज बैक बिल्डिंग पर चढ़ गया, सुसाइड करने की धमकी दे रहा है कि अगर आर्मी वाले तुमने पीछे नहीं छोड़ा मैं ऊपर से कूद के मर जाऊँगा। फिर बंदे बोलते ड्राइवर सर बताइए अब क्या करें। मैंने बोला कि भाई नमूने तुम रुको मैं आ रहा हूँ, एक काम करता हूँ प्रेशर मंगवाता हूँ, तुरंत पहुँचता हूँ मेज बैक बिल्डिंग पर, देखता हूँ आखिर कौन है वो नमूना। बच्ची वगैरह ऐसे ऐसे काम भी होते हैं क्या। मैं ऑपरेसर लेकर के पहुंच चुका हूँ मेज बैक बिल्डिंग में। मैंने आर्मी वाले बंदे से बात भी कर लिया, बंदे बोल रहे ड्राइवर सर ऊपर ही पहुंच जाइए, सीधा लेट मत कीजिए। मैंने बोला ठीक है भाई, चढ़ाता हूँ अपने ऑपरेसर को ऊपर की तरफ, थोड़ा टाइम जाएगा। देखो अरे गोल गोल घूम घूम कर ही चढ़ती है, थोड़ा टाइम ले जाती है बेचारी, बट चढ़ जाती है। ड्राइवर ब्रो चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, हेलीकॉप्टर की तरह सीधी चलती भाई, को ऊपर जाती रहती है, इसको धीरे धीरे ऊपर पहुँचाना पड़ता है। राउंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, बस प्यारी ऑपरेसर बस यार, काश ये सीधी ऊपर चढ़ जाती तो कितना अच्छा होता ना। अभी भी काफ़ी हाइट पर जाना है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, बस चलिए फाइनली पहुंच गया। ड्राइवर किधर है? ओके इस तरफ खड़ा है नमूना। चल भाई ड्राइवर एक काम कर, नीचे उतार इसको, नीचे उतार फटाफट से। चलिए 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 शाबाश, नीचे उतार ले ब्रो, परफेक्ट आ गया भाई। तो ये है चंपू, ये सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, इसको कूदवाता हूँ मैं ऊपर से। अबे नमूने, मैंने नमूने को उठा लिया है और कूदा दिया मैंने इसको ऊपर से। देख भाई नमूने छोड़ दूँ क्या? अगर छोड़ दिया ना यहीं पर नेता बन जाएगा। सुसाइड करना बोलना बहुत आसान होता है, अपनी जान लेना सबसे खतरनाक काम है, मतलब कि सबसे वो क्या कहते हैं हार्ड काम बोलूँगा मैं, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक हो जाता है। एक बार को बता दूसरे को मार लेगा वो आसान लगेगा, बट अपने आप की जान लेना बहुत दिक्कत होती है। और वैसे ऐसा काम करना ही क्यों है। पहले मेरे प्यारे प्यारे चाचा आया मज़ा, नमूने सीधा कर दूंगा, इनको उतार के से पूछताछ करता हूँ। बताओ उम्र ने काम कर रहे हैं नमूने यहाँ पर। चंपू यू कहते ना भलाई का जमाना नहीं है, इसको जैसे नीचे उतार पिस्टल निकाल के नमूने ने मेरे को मारना शुरू कर दिया। अच्छा होता आर्मी वाले बंदे इसके नेता बना रहे, ऐसे तो बंदों को तो सीधा कर देना चाहिए यार, इसको ऊपर से छोड़ना चाहिए मेरे को। नमूना सही पकड़ा था आर्मी वालों ने। अबे तेरे को एक तो मैं बचा के लेकर के आया, कूदने की धमकी दे रहा था तू, तेरे को प्यार से मैंने लैंडिंग करवाई, उतरते ही सीधा गोली चला रहा है यहाँ पे मच्छर। हद है यार, सही करते कभी कभी आर्मी यार, फिर मैं आर्मी को गलत बोल रहा था, कभी कभी सही करते आर्मी वाले, बट मुझे लगता है आर्मी को मेरे को मना कर देते जी। शाम हो गई है कुछ ही पता नहीं चला आर्मी को, तो इसलिए इनको बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो, तो अपना ही काम करो, मैं अपने बंदों को बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत ही गलत निकल रही है, सही तो कुछ भी नहीं निकला अब तक। आर्मी का फिर से फोन आया, अब क्या बोल रहे हैं ड्राइवर से जंगल में आ जाइए, बहुत सारे बंदे पकड़े मैंने। तो मैंने बोला उनको भाई मेरे भाई तुम बंदे पकड़ते हो, कौन सी गैंग के हैं ये, कहाँ कहाँ से ला रहे हो बंदे, इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं देता। मैंने बोल दिया जनरल को फ़ोन करके कि जनरल भाई अपने बंदों को तो हटा ले, मेरे को जो ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया, मैंने यही बोला उसको, नहीं तो वो मानेगा नहीं मेरी बात। मैंने बोला भाई मेरे को सामान मिल गया, अब तुम बस आराम से रेस्ट करो। तो जनरल बोल रहा है ओके ड्राइवर, अब से हम तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है तुम्हें मिल गया ना, मेरे को बहुत खुशी है। मैंने बोल दिया इसको, क्योंकि भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बंदे ही बंदे मरवा रहे हैं मुझसे। बस पहुँच चुका हूँ मैं जंगल में भी चेक करने के लिए, सच्ची में इनको ऑर्डर्स वैसे आ चुके हैं, अभी वापस चले जाएंगे, अब कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं मैंने आर्मी के पावर्स, वैसे पावर्स तो है आर्मी के, मैं मना नहीं कर रहा, देखो कितने बंदे ढूंढ ढूंढ के खत्म कर दिए उन्होंने तुरंत एकदम, कहते ही पावर्स तो है बट कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने बोला भाई अपने घर रहो तुम, अपना आर्मी बेस पर जाओ और मजे लो। पता नहीं कितने बंदे यहाँ मार दे जंगल में, कौन सी गैंग के थे, देखो कितने सुला दिए यार। आर्मी तो कतई पागल हो गई है सच्ची में, मैंने नहीं सोचा था इतना खतरनाक एक्शन लेंगे अब की बार, बट कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। फ्री फेक बंदे क्यों मर रहे हैं, देखो मेरे को मज़ा नहीं आता वायलेंस वगैरह में, मतलब बिना वजह बंदे मरते हैं ना, बेवकूफ़ी वाला काम होता है। बंदे हम तब मारते हैं जब हमारी सिचुएशन होती है और बंदे कोई हमें मारना चाहते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए हम सामने वाले को ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस में मारता हूँ बंदों को ज़्यादातर, बट अब ये बंदों को पता नहीं चल पा रहा कौन है, कौन सी गैंग के हैं, क्यों मतलब क्या कर रहे हैं सारे काम, और मुझे ऐसा लग रहा है बिना वजह मर रहे हैं बंदे, तो इसलिए मैंने आर्मी को हटा दिया। अब मैं खुद ही चेक करूंगा इस चीज़ को और उसके बाद देखेंगे। चलो ड्राइवर निकलो यहाँ से, आर्मी ने तो फ्री में रायता फैला के रखा है। मैं आर्मी वालों की जगह से बस अभी निकल के आया हूँ, मुश्किल से 5 मिनट हुई होगी, मेरे पीछे बहुत सारे बंदे पड़े। अब की बार गाड़ी का कलर पिंक, पिंक कलर की गाड़ी में तो पहली बार बंदे आए मेरे को मारने के लिए,
सच्ची में ये कौन सी गैंग आ गई अब। चलिए ड्राइवर आगे की तरफ बढ़िए। वैसे भी यार आपको वैसे एक बात होता है, जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी का सिर्फ एक फायदा है, उतरने की जरूरत नहीं पड़ती इस गाड़ी से। बाकी गाड़ी में मिनी गन लो, गन से मारो बंदकों, इसमें तो कैसा है वे, क्या हाल चाल है। अब गाड़ी देख नहीं रहे तुम, इस गाड़ी के सामने पंगा लेने नहीं आना चाहिए था, बहुत बुरी चीज़ है ये। मच्छरों की तरह मसल दिया मैंने इनको, ऑल आउट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए ड्राइवर फटाफट से निकलिए जगह पर। ठीक है भाई, चलिए चेक करते हैं और टेक्नो की इन्फॉर्मेशन भी निकालते हैं कि टेक्नो हमारा प्यारा भाई कब तक आएगा होश में, कोमा में जा करके रखा है। एक मुसीबत मेरी और बढ़ गई है बहुत 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 ज़्यादा, अब उसके चक्कर में मेरे को यहाँ वहाँ पे छोटे मोटे सस्ते हैकर से हेल्प लेनी पड़ रही है। चलिए देखते हैं भाई इन हैकर्स में कितना दम है। फिलहाल आर्मी की हेल्प मैंने नहीं ली है तो मैं किसी और से हेल्प लूँगा, देखते जैसे होगा पता तो मैं लगा ही लूँगा कि आखिर कौन था वो बंदा जो मेरे घर में घुसा था। तो बस फिर भाई ये फिलहाल इस वीडियो में नहीं, आप लोग तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।